साहिब। जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब 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 मेरा सतगुरुदेव की। भैया एक बॉक्सर की जो कोचिंग लेता है, सिर्फ मुक्का मारना नहीं सीखता है, मुक्के को बचाना भी सीखना पड़ता है, मुक्के को सहना भी सीखना पड़ता है। इस तरह साधन की कई प्रक्रियाएं इस शरीर के अंदर बिना एक पूर्ण गुरु के सानिध्य के जाना ही नहीं, बड़ी त्रुटि है। इस तरह अगर आप ये नाड़ी चल रही है ध्यान में बैठोगे, पक्का शर्त या नींद आ जाएगी, आपकी इच्छा होगी सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। अगर ये नाड़ी आपकी चल रही है, आपकी तबीयत होगी उठ जाऊं उठ जाऊं उठ जाऊं, मसलेंगे आप। इसलिए जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी आपकी सुरती भी जमेगी। इसलिए इंडा के घर पिंगला जाए, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओम सोम तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा। साहब की वाणी में बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इस तरह जब ये मध्यम नाड़ी खुलती है तब जाकर साधक उस रूट पर आ जाता है। बिल्कुल वो जीटी रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट जीटी रोड ही सीधा है, बाकी नेशनल हाईवे सभी सीधे नहीं है। जीटी रोड इसलिए सीधा है, शेरशाह सूरी का राज्य था तब उसने ये बनाया, पेशावर से कलकत्ता तक जा, बीच में घर भी आया हटा दिया, न कोई कोर्ट थी न कोई बात थी। इसलिए जीटी रोड में ट्रंक्स बहुत कम है। तो ये सुषुम्ना जो नाड़ी है जीटी रोड है, जहां भी चाहिए जब भी आप ध्यान में बैठ जाएं। इसलिए इसकी कला है, चलते फिरते जो हमेशा स्मरण कर रहा है बहुत जल्दी उसकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। भाई जो आदमी चाहे मुकाबले के दिन ही कहे अभी दौड़ूंगा जाकर, तो जैसे दौड़ने लगेगा लतें भर जाएगी, टांगे भारी पड़ जाएगी और नाड़ियां खुल जाएगी, नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन जो कंटिन्यू दौड़ रहा है, अभ्यास किया हुआ है, पीटी उषा की तरह वो कोटियाम साइड में वो रेत में दौड़ती रहती थी, रेत में भाई पांव पीछे भी खींचता है, सोचिए कितनी कठिन परिश्रम उसने किया कि रेत में दौड़ती थी। चिक्कड़ में जो दौड़ ले तो उसे सपाट में दौड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बड़ा कठिन परिश्रम किया था। आइए तो भाइयों मैं यूं कहना चाह रहा हूं, इस प्रकार से ये ध्यान भजन में बैठना एक बहुत बड़ी आर्ट है। ये नहीं है लबड़ लबड़ बंदगी, गबड़ गबड़ दया, जब भी ये खाला का घर नहीं है कि बस घुस चले, नहीं 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 नहीं, इसमें तो बहुत होशियारी से जाना होगा। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के तो बिन सिर सेती जाए। इस तरह साहब कह रहे हैं, दीपक ग्रीष्म हेमश्री मेघ सुहास अंत। दीपक राज जो है राग है वो ग्रीष्म ऋतु में गाया जाए, गर्मी के महीने में गाया जाए। ये छह राग, इनका इफेक्ट क्या आदमी पर असर पड़ेगा और इसके लिए मौसम क्या है, ये सभी चीजें गायन में बोली गई। एक गायन कला साधारण नहीं, मैं आपसे सिद्धियों पर बात कर रहा था, इस तरह मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि और अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। प्राप्तिका अहमा लंगमा कर्मा वरुणा ईशता आदि ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जो आदमी चाचरी मुद्रा में परफेक्ट हो जाता है। ये सब सपने नहीं है, धीरे धीरे कलाएं लोप होती जा रही है, क्योंकि इस समय भक्ति में रोमांस आ गया है कि गुरुजी बड़ा सोना होना चाहिए तब गुरुजी करना, गुरुजी को चाटना है कि सोना की करना, गुरुजी को गुरुजी से ज्ञान लेना है, गुरुजी को चाटना है कि करना है, गुरुजी को गुरुजी क्या दिखा रहा है। फिर तो ये फिल्म एक्ट्रेस जो है वो अंग प्रदर्शन करती है, वो ये दिखाती है हमको बहुत खूबसूरत है। एक महात्मा की पहचान वो अपनी खूबसूरती कभी भी नहीं दिखाता है। आपको ध्यान होगा मैंने एक बात बोली थी जायसी के लिए, एक बार बादशाह सिकंदर शेरशाह सूरी के जमाने में जायसी हुए, सूरी के हृदय में आया कि भाई
उसकी रचनाएं पढ़ी, उसने कहा वाह भाई ये क्या चीज है जैसी। अपने मंत्री को हुक्म दिया, हे मंत्रीवर शाही मेहमान के तौर पर जैसी को दरबार में लाया जाए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, कुछ नजराना दूंगा, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत आ गई है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मंत्री बेचारा निकल पड़ा, घूमते 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 कहीं जैसी कलकत्ता या कहीं मिल गया। एक दिन मंत्री बादशाह सूरी, शेरशाह सूरी बड़े बहादुर भी थे, 18 साल भारत पर राज्य किया था, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, जब अपने तख्त पर बैठे थे तो मंत्री एक बड़े अजीब से आदमी को लेता हुआ आ रहा था, बड़े अजीब से आदमी को लेता हुआ आ रहा था। जो बड़े विकराल रूप का था, चेचक के बड़े बड़े दाग उसके मुंह पर थे और एक आंख चेचक के दाग से मरी हुई, एक टांग से लंगड़ा था, एक हाथ भी लूजा था, बिखरी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, देखना भी अजीब सा था, नाक नक्शा चुभने वाला था, विकराल और एक क्रूर स्वरूप बढ़ता आ रहा। शेरशाह सूरी खींच कर बोला, हे मंत्रीवर ये किसको आगे ला रहे हो? रुक नहीं, रोक करके बोला, भाई ये किसको ला रहे हैं यहां मेरे सामने? मंत्री ने हाथ जोड़ करके आदाब बजाकर कहा, जहांपना आपने फरमाया था महात्मा जासी को दरबार में शाही मेहमान के तौर पर लाया जाए, आप महात्मा जासी है। शेरशाह सूरी ने पांव से सर तक उन्हें देखा और व्यंग की एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई। वो समझ में आती है अपेक्षा को ही आप पर करे, हा? इतनी सुंदर रचनाओं को करने वाला इतना बदशकल आदमी है। वो एक व्यंग की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया। शेरशाह सूरी की यह स्थिति को देख करके जायसी, मंत्री तो वहीं खड़ा रहा, ताबेदार था, जायसी लंगड़ा सा हुआ कदम भरता धीरे धीरे आगे आने लगा। सिकंदर सूरी के तख्त के पास आकर के जायसी ने कहा, हे बादशाह ये तुम किस पर मुस्कुरा रहे हो? खुदा पर जिसने मुझे ये जिस्म दिया, ये जिस्म खुदा की नियामत है। सुंदर लोगों से पूछो क्या उन्होंने अपने को सुंदर बनाने के लिए मां के पेट में कुछ घड़ा था क्या? ये तो एक कुदरत की नियामत है खुदा की। तुम किस पर हंस रहे थे? उस खुदा पर जिसने मुझे ये जिस्म दिया या अपने आप पर? ए बादशाह सूरी सुन, जिस दिन हम मर जाते हैं तो परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब हमने हमारे रंग रूप से नहीं लेता है, हमारे से बात हमारे रंग रूप के हिसाब से नहीं करता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमसे पेश आता है, तू मत भूलिए। एकदम शेरशाह सूरी की आंखें खुल गई, या खुदा कहकर तख्त से नीचे उतरा और पैरों पर लंबा पड़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस कलयुग में जो महात्मा अपना रोमांस दिखा रहा है, क्या कर रहा है वो, समाज को दिशा कौन सी दे रहा है? ये दिशा नहीं है एक महात्मा की पहचान, ये नहीं है। महात्मा तो अपने आप को हद से बेहद बदरूप बनाना चाहता है ताकि मेरी ओर कोई आकर्षित ना हो, क्योंकि सेक्स के जो 8 अंग है, मैथनो अष्टम प्रकरणे, 8 तरह का सेक्स है। चित्वनो देखना, देखते नहीं हो कुछ लोग किसी सौंदर्य चेहरे को देखकर वहीं अटक जाते, ये सेक्स है। बकंतो विषय की बात करना, जब आदमी कामातुर हो जाता है तो बकता है विषय। श्रवण तो सुनना, कुछ लोग सेक्सी गीत सुनने लग जाते, ये एक सेक्स है। चित्वनो यानी देखना भी, अध्ययनो कुछ लोग आप देखते हैं कि गंदी गंदी किताबों का अध्ययन करते रहते हैं। सुपरशो और संभाषणों बोलना, और आखिरी में आता है मैथनो। इसलिए एक आदमी एक महात्मा किसी को यह नहीं आकर्षित करता, आओ मैं बड़ा सुंदर हूं, अगर ऐसा कर रहा है तो फिल्मी दुनिया के लोगों में और उनमें क्या अंतर रह गया? वो कहता है आओ मैं ज्ञान दूंगा, इन सब चीजों से परे हट जाओ। बड़ी विपरीत दिशाएं हैं दोनों की, बड़ी विपरीत दिशाएं, बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है। हम सब अध्यात्म और भक्ति मार्ग को बिल्कुल भूल गए और फिल्मी स्टाइल में उतर रहे हैं। फिल्म वाले तो बेचारे अच्छे हैं, कभी कभी वो ऊब करके अखबारों में स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कोई
तारिका कहती है मैं अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहती हूं, वो भी बेचारे उब रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। वाह कलयुग की बलियारी, क्योंकि भक्ति में रोमांस आ गया। गुरुवाणी सुंदर होनी चाहिए, गुरुजी बिल्कुल हैंडसम होना चाहिए, अमिताभ बच्चन का भी नाना, तब कहेंगे हाँ 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 गुरुजी भैया ठीक है। मेरे ख्याल से गुरुजी को बिल्कुल भी सादगी से रहना होगा, ये वो अपने ज्ञान से आकर्षित करता है। गुणानिधि पूजा गुणा नचलिंग वस्त्रम, क्योंकि भक्ति में रोमांस आ चुका है, इसलिए वो लोग जानते हैं कि हमारे रंग रूप से आदमी रोमांचित होकर हमें सुनेगा। पर एक महात्मा जानता है कि मेरे ज्ञान के द्वारा ही मैंने इसे अपने अध्यात्म की तरफ ले चलना है, इसलिए एक महात्मा न किसी के रूप का कायल है, न किसी दौलत का, न कलर कास्ट क्रीड और इनका वो कायल नहीं है, क्लास इसका कायल नहीं होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, यदि हम अतीत में उठ जाएं, उतर जाएं तो इसका उदाहरण मिलता है। दादू दयाल एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए, कबीर साहब के फॉलोवर थे। उन्होंने अपनी वाणी में कबीर साहब की बड़ी अस्तुत की है, दादू नाम कबीर का जो कोई ले उठ उसको कभी न लाग सी काल वज्र की चोट। दादू दयाल जी की कुटिया भी अयोध्या जी में थी। एक बार एक शहर कोतवाल की इच्छा हुई कि मैं भी नाम लेने जाऊं, दादू दयाल जी का नाम काफी बुलंदी पर था। दादू दयाल से मिलने के लिए वो घोड़े पर सवार होकर गए। जब उनके आश्रम के नजदीक पहुंचे, घोड़े से उतर गए, देखा एक अत्यंत कुरूप सा दुबला पतला मरियल सा एक आदमी काला काला गंजा झाड़ू लगा रहा है। थानेदार ने सोचा पहले ही एक गंजा मिल गया अब शगुन, तो टोटका किया, कहते गंजा मिला तो पहले तो उसके सर पे ठेंगे दिए दो चार। और पुलिस वालों की भाषा भी थोड़ी सी अजीब है, उनको तो बेचारों की क्या गलती है, उनको अलाउंस मिलता है मूंछ रखने का, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, बड़ी बड़ी मूंछे रखो लोगों को डराने के लिए, क्योंकि उनका काम ही यही है थोड़ा गाड़े का, तो भाषा भी थोड़ी निराली है। बोला क्यों बे गंजे? दादू दयाल जी का भैया आश्रम कहाँ है? वो कहाँ है कुटिया? उन्होंने इशारा किया, भैया वहां है। वाह वाह वाह। जब वहां पहुंचे तो एक लंबा गोल मटोल खाया पिया सुंदर सा आदमी मिल गया। थानेदार जी लंबे पड़ गए। उसने कहा सुनो सुनो भाई क्या कर रहे हो ये? बोला महाराज पाए लागू। बोला मैं नहीं हूं दादू दयाल भैया, मैं तो उनका एक चेला हूं, का पी करके दंड मुसंड गोल मटोल हूं, मैं दादू दयाल नहीं हूं। बोला फिर वो कहां है? बोला वो जिसके सर में ठेंगे बजा के आए वही तो है। थानेदार बड़ा परेशान सा हुआ, आया जल्दी से लंबा पड़ गया, बोला महाराज माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बात यह है मैं आपको ठीक से नहीं आपको पहचान नहीं पाया। बोला माफी किस बात की? बोला महाराज इतनी बड़ी बेअदबी की, आपके सर पे ठेंगे मारे। बोला मेरे भाई सुन, दादू दयाल जी का क्या जवाब था? आदमी एक 4 पैसे का 4 टके का घड़ा या हंडी खरीदने जाता है, उसको उठा करके चारों तरफ से ठोक पीट करके देखता है, ऊपर से नीचे से साइड से दहने से बाएं से। तू गुरु करने आया था, 2-4 ठेंगे ठोक पीट करके मुझे देख लिया तो कौन सा फर्क पड़ गया था? हम सब ने सोच लिया है एक बहुत कम सा आदमी ही एक महात्मा होगा, यह हमारे मन की कल्पना है। भारवी ने कहा गुणानिधि पूजा गुणा नचलिंग वस्त्रम, न तो ये ज्ञान किसी उम्र का मोहताज है, पुरुष भी हो सकता है। कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं महापुरुषों की रहनी बड़ी टॉप रही है, वो सादगी में रहते हैं। ये बाद में हम लोगों ने कल्पना करके कहीं उनको पगड़ी बांध दी है, तो कहीं उनकी दाढ़ियां ऐसे कर दी है, कहीं उनकी मूछें ऐसे कर दी है, कहीं हमने उनको मालाएं पहना कर रखी है, कहीं हमने उनको टीके लगा कर रखे हुए हैं। ये तो बात की चीज है, ये सब हमारी अपनी कल्पना है। दरअसल उनका रहना बड़ा निराला बड़ा अजीब सा था। एक प्रसंग और आता है गार्गी के विषय में। गार्गी तत्वज्ञानी थी, आत्म तत्व को जानती थी, पर वो थी बिल्कुल भी निवस्त्र रहती थी, बिल्कुल भी निवस्त्र रहती थी। कुछ लोगों को आप देखते हैं निवस्त्र रहते तो आप सोचते होंगे बेशर्म, नहीं पता है क्या है, वो ये शो कर रहे हैं। हम अहंकार से परे, इंसान
आप देखते होंगे खूबसूरत लोग जिनकी टांगे बड़ी सुंदर है, निकर पहनकर घूमते हैं, जिनकी टांगे बड़ी बड़ी पतली सी टेढ़ी है, वो बेचारे निकर नहीं पहनते हैं। वो निकर इसलिए पहन रहा है, वो शो करना चाहता है बड़ी हैंडसम और हेल्थी टांगे हैं मेरी। कुछ लोगों को आप देखते हैं, वो लोग एक आजकल ऐसी एक बनियान चली है यहां तक जिसमें बाजू कंप्लीट नजर आए, वो पहनकर घूमते हैं, वो शो करते हैं, बहुत मसल्स हैं। भाइयों, ये मलमूत्र की इंद्रियां अगर खूबसूरत होनी थी ना तो आदमी पहले इनको नचा नचा कर दिखाना था, पर आदमी जानता है बड़ी गंदी है, बड़ी बेकार है। ये सुंदर होनी थी तो क्या कहना था, क्या कहना था। ये नंगा होना कोई मामूली खेल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंगे होकर घूमना, अहंकार को पूरा मिटा दे इंसान तभी नग्न घूम सकते हैं। गार्गी पूर्ण आत्मज्ञानी थी, नंगी रहती थी लेडी जवान थी, तत्वज्ञानी थी। एक दिन गार्गी के एक शिष्य ने बोला, हे मातेश्वरी, मेरी एक प्रार्थना है। लोग बड़ा अपेक्षा करते हैं, हे मातेश्वरी, अगर आप ज्यादा वस्त्र नहीं पहने, मेरी प्रार्थना है मलमूत्र के द्वार ढक लिया करो थोड़ा, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। क्या गार्गी को इसका इल्म नहीं था? नहीं, ये एक फाइटिंग है। गार्गी ने कहा, हे वत्स, सुन, तुम्हें अगर कोई कहे बैल के आगे कपड़े उतारने हैं तो कैसा करोगे? बोला, उतार दूंगा, शर्म तो नहीं आएगी? बोला, बिल्कुल नहीं, बैल है वो, उसे क्या शर्माना। बोला, बेटे, जो आत्मज्ञानी है मुझे आत्म रूप में देखते हैं वो ज्ञानी है, जो संसारी पशु की तरह है वो मुझे जिस्म रूप में देखते हैं, मैं उन्हें अज्ञानी मानती हूं, इसलिए हे वत्स, मुझे उनसे कोई भी हिचक नहीं है। यदि मैं लोगों के कहने के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार चलूंगी तो फिर मैं लोगों की गुलाम हो गई। एक महात्मा लोगों की धारा में थोड़ी बहता है। समाज आज क्या चाह रहा है, एक महात्मा ये कभी नहीं चाहता है, फिर तो उसी में डूब जाएगा। एक महात्मा समाज को अपनी धारा में ले बहता है। कबीर सारा है, उन्होंने समाज को अपनी धारा में बहाने की कोशिश की, बहा। हजरत बाहू कह रहे हैं, मुर्शिदे कामिल का हुक्म हो मसल्ला शराब से रंग डालूं। वाह भाई, बुल्ले शाह कह रहे हैं, जेतन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद देखना रज्जा, लू लू दे विच लख लख चश्मा, एक लावा एक कज्जा। वाह, एक चढ़ाऊ एक उतारता रहूं, इतना डिठिया सब्र ना आवे, इतना देखने के बाद भी मुझे संयम नहीं आएगा, कितने बाजो बज्जा। किसी ने कहा, बुलिया ऐसे भी की क्या बात, एक बार देख लिया तो देख लिया, करना मुर्शिद का दीदार है मैनू लख करोड़ हज्जा। इतनी शुद्धता आ जाती है लाखों करोड़ हज करने से भी। यानी बुल्ले शाह हज और मक्के आदि को क्या भावना दिखा रहे हैं? नहीं, वो कह रहा है जो रेजेस मुझे गुरु के दर्शन से प्राप्त होती है, लाखों बार हज करने से भी मेरे अंदर इतना इफेक्ट नहीं हो सकता है। इनकी वाणी में बड़ी टेक्निकल चीजें छिपी हुई है, पर हम अपने समुद्र में बहुत पानी है, पर हम अपने पात्र के अनुसार ही निकाल सकते हैं। घुमची लेकर समुद्र से बहुत पानी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आप समर्पित तो होकर देखिए ना, पूरे रूप से गुरु के अंदर आपको कितना कुछ मिल जाता है। बस आपका जितना पात्र होगा उतना ही मिल जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि एक महात्मा की पहचान न तो रोमांस है, आज भक्ति में तीन चीजें मिश्रित हो गई, रोमांस इसमें बहुत ज्यादा आ गया है। कभी कभी कुछ लड़कियां मेरे यहां आती हैं बड़े आधुनिक कपड़े पहन करके। एक लड़की को एक दिन मैंने कहा, वो बिल्कुल स्किन टाइट पैंट पहन के आई, मैंने कहा, बेटी सुन, मैं कोई बाबा आदम के जमाने का भी नहीं हूं, इसी समाज में मैं भी रह रहा हूं, लेकिन सुनो, कम से कम जो पैंट तू यहां पहन के आई है ये उचित स्थान पर नहीं पहन के आई है, यहां तूने सत्संग के लिए बैठना है, ये एक सत्संग समारोह हो रहा है, आखिर तू क्या दिखाना चाह रही है पैंट पहनकर बेटे। मैं लड़कों से भी यही बात बोलता हूं कि कम से कम हम एक तहजीब तो सीखें। एक मुसलमान जब अपने मस्जिद में नमाज अदा करने जाता है, कुर्ता पहन के जाता है, साफ होकर के जाता है, टोपी अपना सर ढक करके जाता है, और अदब के साथ डिसिप्लिन क्या है कि 1000 अगर सज्दे के लिए झुकते हैं तो वो 1000 की गर्दन एक साथ झुकती है। फौजियों को 6-6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, एक साथ पांव नहीं उठता, एक साथ सलूट नहीं हो पाता है, लेकिन अनुशासन और कंसंट्रेट कितने हैं। एक सिख गुरुद्वारे में जाता है तो अपने सर को ढक करके जाता है, अदब से नहा धो करके बिल्कुल भी इज्जत के साथ चला जाता है। तो हम सब इनडिसिप्लिन क्यों हो रहे हैं? साहिब मेरा, साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा,
साहेब